यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनको सुनने के लिए विश्व अपनी पलके बिछाए बैठा होता है, वैसे हमारे सासाराम की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, वो आए और हमारे शाहबाद की जनता को अपना उद्बोधन दे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अठारह महीनों में परिवार ने क्या क्या किया, कैसे कैसे खेल किए, कौन सी बातें अखबारों में छाई रहती थी, कौन सी बातें टीवी वालों को भाती थी, ये बातें मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बिहार और देश के लोगों से छिपा नहीं है। जब नीतीश जी इस खेल को बांप गए, ये समझ गए कि इन लोगों के साथ रहते हुए बिहार का भला तो छोड़िए, बिहार और 15 साल पीछे चला जाएगा तो उन्हें सत्ता छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। साथियों, बिहार के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए हम फिर एक बार नीतीश जी के साथ आए। साथियों, 2014 में प्रधान सेवक बनने के बाद, ये आंकड़ा लोगों को याद नहीं आ रहा है, बिहार में याद कराना पड़ेगा, मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है, लेकिन इन 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है। साथियों, आज एनडीए के सभी दल मिलकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बिहार के निर्माण में जुटे हैं। बिहार को अभी भी विकास के सफर में मीलों आगे जाना है, नई बुलंदी की तरफ उड़ान भरनी है। बीते वर्षों में बिहार के गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, उन सब तक वो सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जिन्हें पाना कभी बहुत मुश्किल होता था, आज उसको अपना पक्का घर बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। आज वो भी संपन्न परिवारों की तरह गैस चूल्हे पर खाना बना रहा है। आज उसके घर में भी शौचालय की सुविधा है। आज उसके बच्चे भी बिजली की रोशनी में पढ़ाई कर पा रहे हैं। आज वो बीमार होता है तो उसके पास 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। साथियों, शुद्ध पीने के पानी की क्या स्थिति थी, ये बिहार की बहनों बेटियों से बेहतर कौन समझ सकता है। आज जल जीवन मिशन से हर घर जल पहुंचाने का काम